निचलौल के ग्राम टोंगरी में बना वन ग्राम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यों तो निर्माण कार्य एवं भवन के मानकों को लेकर शुरू से ही सुर्खियों में रहा है, पर इन दिनों सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जिसकी सुरक्षा पर शिक्षा विभाग भले ही चुप हो, पर गांव के गलियारों से आवाज जिले के अफसरों तक पहुंच गई है। शिक्षा विभाग जहां महिला अध्यापकों व शिक्षण के लिए नामांकित लगभग 100 छात्राओं की ओर भले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पर जोर न दिया हो, पर गांव व अध्यापकों की मांग पर सैटेलाइट न्यूज ने शिक्षा विभाग के गलियारों में आखिर अपनी दस्तक दे ही दिया है। जनपद के आला अफसरों से सैटेलाइट न्यूज ने जब सवाल दागा तो अफसरों ने संज्ञान में लेकर जल्द ही महिला अध्यापकों एवं शिक्षण प्राप्त कर रही सैकड़ों छात्राओं की सुध लिया और प्रस्ताव भेज 100% सुरक्षा की गारंटी देने की बात कही। ये विद्यालय मेरा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वन ग्राम निचलौल के नाम से जाना जाता है और ये टुंगरी गांव में है, टुकलिया ग्राम सभा में है। बच्चे 100 बच्चों का नामांकन है, जिसमें बंटानिया क्षेत्र के बच्चों को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। ऐसे इस गांव के बच्चों का भी एडमिशन होगा, इसमें नामांकन जो है मार्च में लास्ट में होगा। ये कक्षा 7 के बच्चे हैं, तो 35 बच्चे हैं हमारे यहाँ। हम लोग के लिए कठिनाई जरूर हो रही है, कहीं आना जाना है कहीं। वैसे हम लोग को खास सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर बच्चों को कभी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय हम लोग बच्चों को कैसे ले जा सकते हैं, या कभी भी यहाँ फर्स्ट एड तुरंत ज़रूरत है तो मुश्किल है। ले जाना हॉस्पिटल तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी इधर कोई सवारी साधन बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। अगर अपना वाहन है तभी हम जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये बालिकाओं का विद्यालय है, महिला स्टाफ ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा समस्या हम लोग को हो रही है। रात में अकेले डरते हैं, कोई सब कोई ऊपर रहता है, हम अकेले रहते हैं, बहुत डरते हैं सर। खाली दिखाई देता है पीछे से, एकदम जंगल जंगल शमशान एरिया दिखाई देता है। सर लोग बताते हैं कि यहाँ चीते उते आते हैं और जंगली में सुअर ये सब जो है जंगल। हाँ सर, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बनग्राम मिछलौल में पार्ट टाइम टीचर के पद पर, कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कब से पढ़ रहे हैं? सन 2014 से। यहाँ इस जगह पे आए हैं, नया जगह है आप लोगों के लिए, तो यहाँ आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ जंगल के वजह से हम लोग कुछ जी जी बताइए बताइए, आपको क्या डर लगता है? जी जब गार्ड की व्यवस्था कराइए, रास्ता की व्यवस्था कराइए, सुरक्षा कराइए। धन्यवाद।